हेलो फ्रेंड्स, श्रीधाम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बनाएंगे पास्ता का नाश्ता। एक बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए। प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को पीस लीजिए जार में। अब ये पास्ता पक गया है, इसको छान लीजिए। ये है सरसों तेल। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये आधा चम्मच मिक्स सब्जी मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। दो तीन चम्मच टमाटर सॉस। थोड़ा सा चिली सॉस। थोड़ा सा विनेगर। थोड़ा सा डालिए उबला हुआ पास्ता का पानी। थोड़ा सा नमक और नमक बाद में डालेंगे। अब इसमें डालिए ये उबला हुआ पास्ता। अब पास्ता के हिसाब से नमक डालिए और इसको अच्छे से मिलाइए। अब इसमें थोड़ा सा डालिए चिली फ्लेक्स। ये सुपर टेस्टी पास्ता बनके तैयार है गाइस, पास्ता का नाश्ता। हेलो गाइस, बनाएंगे मैंगो जूस। ये है पका हुआ आम।
इसको छील के इसका पल्प पूरा निकाल लीजिए जार में। चालू करो ना। ये तो इसी तरह से दूसरा आम भी छील के डाल दीजिए इसका पल्प। ये आम पूरा मीठा है, थोड़ा सा चीनी डालिए, इसमें डालिए थोड़ा सा आइस क्यूब। अब इसमें डालिए थोड़ा सा ठंडा पानी। छुट्टी स्पेशल नाश्ता बनके तैयार है गाइस। इस तरह से बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा एकदम से।